गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया था, जो एक्सरसाइज 3.3 वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके ऊपर मैंने दो वीडियो बनाई हैं, प्लीज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने के लिए मेरी वो वीडियोस देखें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ एक्सरसाइज 3.4, मैंने आपको क्या बताया था कि चैप्टर थर्ड में 3 मेथड है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के। 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट हम कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ एलिमिनेशन मेथड एज कंपेयर टू एलिमिनेशन मेथड वेरी इजी एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, चलो सीखते हैं एक्सरसाइज 3.4। अभी कई बच्चों को ऐसा लगता होगा वीडियो देख के कि नोटबुक पे समझाया जा रहा है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आफ्टर 10-15 डेज आपके लिए ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड लेके आएंगे और वाइट बोर्ड से आपको समझाया जाएगा। नाउ एलिमिनेशन मेथड में एक्सरसाइज 3.4 इक्वेशन 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेम करते हैं, जो इनके कोफिशियंट हैं x वेरिएबल और y वेरिएबल के, उनको सेम करेंगे। कोफिशियंट को सेम करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो आपको कुछ नहीं, स्टार्टिंग में सिर्फ x के साथ जो जो नंबर्स है उनको ना पॉइंट आउट करना है। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 3, सेकंड इक्वेशन में x के साथ 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में जो x का वेरिएबल है उसकी मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन नंबर 1 के साथ, और इक्वेशन नंबर 1 में जो x का वेरिएबल है 3 उसकी पूरी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 के साथ। 2 × 3x + 4y = 10, 3 × 2x - 2y = 2, मैंने आपको क्या बताया, यही बेसिक है, सिर्फ इतनी बात समझनी है। नेक्स्ट ऑल क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही करना है, कोफिशियंट सेम करने हैं, सिर्फ एक वेरिएबल के कोफिशियंट सेम करो आप, चाहे x के करो चाहे y के करो। जो x के साथ है 3 है, 3 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन नंबर 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 में x के साथ 2 है, 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन नंबर 1 से। आपका मन है तो आप 4 के वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर सकते हो, मन है तो x की कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ नेक्स्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे 6x, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8y, 20, 3 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे 6x, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 3×2=6y और 3×2=6। अब इसमें एक स्टेप क्या होगा कि ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशियंट सेम हो जाएंगे। अगर आप x के करोगे तो x के हो जाएंगे, y के करोगे तो y के, जो सेम होगा उसको हम कट करेंगे। कट कैसे करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस का है उसको माइनस का कर देंगे, जो माइनस का है उसको प्लस का कर देंगे, जो प्लस का है उसको माइनस का कर देंगे। प्लस का 6x, माइनस का 6x कट हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएंगे, 6 + 8 14y, 20 - 6 14, 14/14 1, y की वैल्यू आपकी क्या आई 1। जब आप x के वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करोगे तो आपकी y की वैल्यू आएगी, जब आप y के सेम करोगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी। नाउ y की वैल्यू आ चुकी है, अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए पुट y = 1 इक्वेशन फर्स्ट, 3x y की प्लेस पे 1 पुट कर दिया, 3x + y = 10, 3x = 10 - y, 3x = 6, x = 6/3 = 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया कि हम
चाहे तो x वेरिएबल के कोफिशेंट सेम करेंगे, चाहे y वेरिएबल के कोफिशेंट सेम करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसका जो टफ है मैंने आपको वो कराया, जो पार्ट इजी है वो आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा बच्चों के लिए टफ है। एक्स वाई टू प्लस टू वाई वाई थ्री इजिकल टू माइनस वन, एक्स माइनस वाई वाई थ्री इजिकल टू थ्री, एक्स बाई टू प्लस टू वाई वाई थ्री इजिकल टू वन। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया, टू थ्री का एलसीएम सिक्स आया, टू थ्री जा सिक्स, टू को सिक्स से डिवाइड करेंगे थ्री, उसकी मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे थ्री एक्स, थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू, टू टू जा फोर इजिकल टू माइनस वन। नाओ ये सिक्स यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इजिकल टू माइनस सिक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमने फर्स्ट इक्वेशन को सिंपल किया और उसको थर्ड इक्वेशन का नेम दिया। नाओ इक्वेशन नंबर सेकेंड को भी सिंपल करेंगे, एक्स माइनस वाई बाई थ्री इजिकल टू थ्री, एलसीएम लिया, यहाँ पे x था थ्री, थ्री और वन का एलसीएम थ्री ही आएगा, थ्री एक्स माइनस वाई इजिकल टू वाई इजिकल टू थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री एक्स माइनस वाई इजिकल टू नाइन, इक्वेशन नंबर फोर। तो आपके पास हमने फर्स्ट इक्वेशन को सिंपल किया और सेकंड इक्वेशन को भी सिंपल कर लिया। नाउ थ्री और फोर इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। थ्री और फोर इक्वेशन आपके पास क्या है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इजिकल टू माइनस सिक्स, थ्री एक्स माइनस वाई इजिकल टू नाइन। ऑलरेडी 3x और 3x है, इनके कोफिशेंट सेम करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले से ही है, सिर्फ हम साइन चेंज करेंगे, जो प्लस का उसको माइनस का, जो माइनस का उसको प्लस का, जो प्लस का उसको माइनस का, ये कट हो जाएगा, 4y और 1y 5y, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 15y इजिकल टू माइनस 15 बाई 5, y इजिकल टू माइनस 3। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पे माइनस थ्री पुट कर देंगे, 3x, 4 थ्री जा माइनस 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 6, ये 12 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 3x इजिकल टू 6, x इजिकल टू 6 बाई 3 इजिकल टू 2x इजिकल टू 2। हमने आपको ये टू क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करवाए। एलिमिनेशन मेथड वेरी इजी मेथड, इसमें हमें क्या करना है, या तो आप एक्स के कोफिशियंट सेम करो या आप वाई के कोफिशियंट सेम करो, और देन इक्वेशंस के साइन चेंज करके उनको प्लस माइनस कट करके एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, देन आप सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो। नाउ जो सेकेंड पार्ट है, जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ड प्रॉब्लम, उनको कैसे सोल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम की बच्चों को सिर्फ इक्वेशन बनाने में ही प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो आगे आपका एलिमिनेशन मेथड यही इजी मेथड से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर टू के जितने भी पार्ट हैं मैं आपको उनकी इक्वेशंस बना के दिखाती हूँ और एलिमिनेशन मेथड से आप उनको खुद सोल्व करोगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट एक बार आप देखिए। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It become 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? उसने क्या कहा कि if अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप समझो और लेट, सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमिनेटर एक्स और डिनोमिनेटर वाई। उसने क्या कहा, इफ़ वी ऐड वन, न्यूमिनेटर में वन ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमें पता है फ्रैक्शन कैसे बनेगा, हमने लेट किया न्यूमिनेटर एक्स और डिनोमिनेटर वाई, फ्रैक्शन बनेगा एक्स बाई वाई, एक्स में वन प्लस करेंगे, वाई में वन माइनस करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वन वाई माइनस वन, उसने क्या कहा, इक्वेशन वन हो जाएगी, तो वन बाय वन, ये मैंने आपको मेथड पहले भी करवाया हुआ है। x प्लस वन वाई माइनस वन, उसने कहा न्यूमिनेटर में वन प्लस करो, डिनोमिनेटर में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वन वाई माइनस वाई, x माइनस माइनस माइनस, x माइनस वाई इजिकल टू टू, ये आपका इक्वेशन नंबर वन। नाउ इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू के लिए उसने क्या कहा, न्यूमिनेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर में वन प्लस करो, देन फ्रैक्शन आपका वन बाय टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई टू एक्स वाई प्लस वन एज इट इज, ये यहाँ पे जाएगा। ये टू इक्वेशन्स आए आपके, आप इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लोगे, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम किसी की एज की 5 year ago की बात करते हैं तो हम उसमें से 5 माइनस करते हैं. 10 year later की बात करेंगे तो हम उसमें 10 प्लस करेंगे. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन 1 और 2 बनाएंगे. लेट द एज ऑफ नूरी एक्स, एज ऑफ सोनू वाई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 year एगो की बात की तो 5 माइनस, दोनों की एज में से 5 माइनस, उसने कहा थ्राइस हो जाती है किसकी, सोनू की. तो सोनू की एज तो ऑलरेडी थ्राइस है, इसको इक्वल करने के लिए हम नूरी की एज से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे. एक्स माइनस फाइव थ्री वाई माइनस फाइव. एक्स माइनस फाइव थ्री के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, थ्री वाई माइनस फिफ्टीन, ये यहाँ पे जाएगा. यहाँ पे एक्स माइनस थ्री वाई इजिकल टू माइनस टेन, इक्वेशन नंबर 1. नाउ 10 year लेटर, तो दोनों की एज में 10 10 प्लस कर देंगे, ट्वाइस हो जाती है तो 2 से मल्टीप्लाई. एक्स प्लस 10 2y प्लस 20, एक्स माइनस 2y 20 माइनस 10, एक्स माइनस 2y इजिकल टू 10. ये आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लोगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 digit नंबर इज 9 एंड ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर. सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है आपको कि क्वेश्चन में उसने कहा क्या है. उसने ये कहा 2 digit का एक नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 है. नेक्स्ट उसने क्या कहा कि जो नंबर फर्स्ट पहला नंबर है अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं, उसके डिजिट्स को जो वंस प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे कर देते हैं, और जो टेंस प्लेस पे है उसको वंस प्लेस पे अगर हम कर देते हैं तो वो ओरिजिनल नंबर का 9 times हो जाता है. उसने ऐसा कहा. तो फाइंड द नंबर. नाउ लेट द 2 digit नंबर 10x प्लस वाई. ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम 2 digit का नंबर लेट करेंगे हम 10x प्लस वाई ही लेट करेंगे, ऑलवेज 10x प्लस वाई. और जब हम इस नंबर को रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस एक्स, 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स. नाउ इक्वेशंस कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फर्स्ट तो उसने कहा कि उनके डिजिट्स का सम 9 है, तो डिजिट हमने एक एक्स लेट किया, दूसरा वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9. सेकेंड उसने क्या कहा कि 9 times है जो ओरिजिनल नंबर है उसका, अगर हम उसके नंबर को एक्सचेंज कर देते हैं तो उसका ट्वाइस हो जाता है. तो 10 हमने क्या लेट किया, ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, और जो रिवर्स करने के बाद नंबर आया वो 10y प्लस एक्स. अब इसकी 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x प्लस 9y 20y प्लस 2x 90 प्लस 9y, ये माइनस में इधर पे जाएगा, 88x माइनस 11y. अब ये दोनों 11 से डिवाइड होते हैं, इक्वेशन को हम छोटा करने के लिए इन दोनों को 11 से डिवाइड कर देंगे. 8x माइनस वाई इक्वेशन नंबर 2, एक्स प्लस वाई इक्वेशन नंबर 1. इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है. नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट. अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड प्राइस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. सरिता पेड फॉर 27, अ बुक कैप्ट फॉर 7 days. फाइंड द प्राइस, फिक्स्ड चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज हमें दोनों निकालने हैं. एक लाइब्रेरी है जिसमें अगर हम एक वीक तक आप स्टडी के लिए जाओगे तो फर्स्ट 3 days का तो आपका फिक्स चार्ज है. नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए गए, 3 दिन के लिए, उसके लिए आपको अलग अलग डे का अलग अलग चार्ज लगेगा. तो इसमें हम लेट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days इजिकल टू एक्स, ईच डे चार्ज इजिकल टू वाई. नेक्स्ट ईच डे चार्ज इजिकल टू वाई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा कि उसने 27 days किया, 1 week का 27 days किया. हाँ, 1 week का एक फर्स्ट टाइम तो वो 3 days और 4 days एक्स्ट्रा गई. 3 days वो फिक्स, 3 days का फिक्स और 4 days का 4y इक्वल टू 27. नेक्स्ट टाइम वो 3 days फिक्स गई और 2 days एक्स्ट्रा गई तो x प्लस 2y इक्वल टू 21. उसने क्या कहा, 3 days का फिक्स,
तो फर्स्ट टाइम तो वो 7 डेज गई, 3 डेज का तो फिक्स हो गया, बचे कितने, 4 डेज। 4 डेज के लिए वो उसने 27 किया। नाउ अगेन वो 5 डेज गई, तो एक्स प्लस 2y = 21। ये आपकी टू इक्वेशंस हैं, इन टू इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इन तीनों में सबसे ईजी है एलिमिनेशन मेथड। ईजी तीनों है, लेकिन जो बच्चों के लिए सबसे ईजी होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड, जो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो प्लीज़ एलिमिनेशन मेथड सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और सब्स्टिट्यूशन सीखने के लिए आप मेरी इससे पहली वीडियो देखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।